सभी को बाजीराव के साथ देखकर मन ही मन ईशान को काफी ज्यादा जलन हो रही है, लेकिन इस जलन का जलाब कोई इलाज नहीं है। आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे ढेर सारा हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर सभी और ईशान इन दोनों को आप देखेंगे एक दूजे के जरा जरा करीब आते हुए। लेकिन इससे पहले कि इन नज़दीकियों को समझ पाता ईशान को मजबूरी में करनी पड़ेगी सभी के साथ शादी। जी हाँ, सभी के साथ अपनी माँ ईशा की खातिर ईशान शादी के बंधन में बंध जाने का फैसला करेगा। अपनी माँ ईशा की खातिर ईशान सभी को चुपचाप से अपनी पत्नी के तौर पर स्वीकार करने का फैसला करेगा। शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे ढेर सारा हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां ईशान सभी को अपनी पत्नी के तौर पर एक्सेप्ट कर लेगा, और वो इसलिए क्योंकि ईशान को अपनी माँ ईशा के सारे सेक्रीफाइसेस पता चलेंगे, और ये सारे सेक्रीफाइसेस जानकर ईशान अपनी माँ ईशा से माफी मांगेगा। वो अपनी माँ ईशा से कहेगा कि बताओ मुझे आखिर वो क्या है जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ। यहाँ ईशा ईशान से कहेगी सभी बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन उसके रास्ते में परेशानियाँ बहुत हैं, उसका साथ देने के लिए उसका परिवार भी नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू सभी का हाथ थामे। बस फिर क्या था, ईशान अपनी माँ की खातिर अपनी माँ ईशा को दिया हुआ वचन निभाते हुए सभी के साथ शादी करने का फैसला करेगा। ईशान और सभी की होगी शादी, और इस शादी के साथ ही सीरियल में शुरू होगी नई कहानी, जिसे देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं।